बाप रे। तुम यार दिखती हो 25 साल की हो। कल रात को पराठा खाने का मन किया तो मैं पराठा बड़े मजे से बनवा रहा था, घर में जाके खाऊंगा। पराठा लेते टाइम मुझे जीजाजी का फोन आया, मैंने बोला कि खाना खा के बात करते हैं। मैंने अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि अगर पहले पता चलता तो खाना शायद अंदर नहीं जा पाता। सुबह उनको एक फोन आया था जिनमें एक लेडी ने उनको बोला, मुंबई से कॉल आया था कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया है, वो पहुंच जाएगा 6-7 दिन। मेरे लिए नॉर्मल बात हो चुकी थी, मैं तब भी खुशी नहीं मना। उसके बाद रात को एक मेल आता जिसमें ऐसा लिखा था कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हैज बीन डिनाइड। सुबह को बोला था कि कर दूंगा, रात को बोल रही है नहीं करो। अभी कंफ्यूजन में है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा दिमाग अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। भैया लोगों से बात की HDFC, वो बता रहे हैं कि देखते हैं चेक करता हूँ, अभी वो एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम देके जब घर आएंगे तब पता चलेगा कि सच में हुआ या नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लाइक कंप्यूटिंग। लंच इज ओवर। भैया अभी तक जमुई में एग्जाम दे रहे हैं, वो बैंक तक पहुंचे नहीं है, तो पता नहीं वहाँ पे मुझे कोई बताने वाला है क्या नहीं, पर भी एक बार ट्राई तो करना बनता है। बस यही हो गया है जिंदगी में, बेसिक चीजों के लिए नौटंकी और कुछ नहीं। आज इधर से निकल जाते हैं। एक होता है कि आप कोई चीज फैंसी चीज डिमांड कर रहे हैं तो समझ में आता है कि उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक छोटा सा कंप्यूटर जिसमें काम आदमी कर सके उसके लिए 50,000 बैंक जाओ, 200 लोगों से मिलो, 100 ईमेल्स लिखो। आज अभी मिला तो ठीक है, अरे कौन कौन तरीका ची जाइए जाइए इधर से जाइए। कौन फोन कर रहा है क्या कोई? जीजा जी हेलो। हाँ बोलिए। नहीं जा रहे रास्ते में। हाँ लंच हो जाएगा, जा रहे यहाँ पे रास्ते में लटक गए क्या आप? अभी अगर मुझे मिला तो ठीक है, रिजेक्ट होगा खत्म। उसके बाद मैं अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। अपने भी परेशान हो, जीजा जी को भी परेशान करो, पब्लिक को भी हरास करो। फिर बैंक ज़्यादा दूर नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन में मैं आई कैनॉट वर्क, दिमाग खराब करके रख दिया एकदम, बनते बनते रह जाता है सब। ऐसा ही कुछ प्रेसिडेंसी में होता था जब हर 10 दिन के बाद वो लोग बोलते थे ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही हुआ था। ऑफिशियल काम्स में मुझे लगता है सब ऐसा ही होता है। बस बैंक यहीं पे है, अभी जाके मैं नंबर वंबर देके चेक करता हूँ कि क्या है। सच में रिजेक्ट हो गया है तो ठीक है, बढ़िया। नहीं रिजेक्ट हुआ है तो भी बढ़िया, इधर ही लगा देते हैं। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, वो खुद डाउट में है। लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि आ जाएगा। जो मुझे मेल मिला था उसमें वो देख के बोल रहे हैं कि ऐसे कन्फर्म नहीं बोल सकते कि नहीं ही आएगा, आ भी सकता है, 50-50 चांस में। इनका कार्ड आ भी जाता ना तो एक्चुअली मुझे उससे फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अब SBI ICI ये सब में ऑफर है। क्या है कि मैं अभी SBI बैंक जैसे जा रहा हूँ, एक बार SBI बैंक से पूछ लेता हूँ, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो बस इंतज़ार करेंगे। और क्या, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हार जाओ, बुरी तरह हार जाओ, वो भी चलता है, लेकिन जहाँ हो वहीं पे तुम खड़े हो सालों से, वो बर्दाश्त नहीं होता है। डायनामिक होना चाहिए, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। एक बार ज़िंदगी मोनोटोनस हो गया तो फिर माथा ख़राब हो जाता है। एक बार पूछ लेते हैं SBI से, खूब बोरिंग लगता होगा व्लॉग्स, और लगना भी चाहिए क्योंकि एक थोपड़ा 400 दिन देखना आसान नहीं होता है। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, थैंक यू। 1 hour later ये दिमाग खराब। सबसे अच्छा तो SBI अकाउंट से मस्त बोल रही है, आराम से मिल जाएगा आपको, बस दादी का किसी का अकाउंट होना चाहिए। मैं क्योंकि 25 से कम हूँ तो 30 साल होना चाहिए, अब 25 से कम है तो बोल रहे कि नहीं होगा। दादी अगर 65 साल से कम निकली तो मिल जाएगा। बैंक्स तो भाव खाते हैं, वो इंसान है, उनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ऊपर वाला भी बहुत ज़्यादा भाव बात करना पड़ेगा। ऊपर वाले कुछ बेसिक चीज़ों में लोगों को परेशान करने में क्या मज़ा आता है। सोचता हूँ ब्रेक ले ही लो 2 महीने का। मैं इतना पीछे चल रहा हूँ 400 व्लॉग्स में जो आदमी ने स्किल सीखा है, जो कुछ सीखा है, सही है, बढ़िया है, हो गया, सो बीती बात है। अब उसको भुला के आगे बढ़ना चाहिए और नया नया चीज़ें सीखना चाहिए। ऊपर वाला चाहता ही नहीं है कि अपना काम बने, लगता है, पर मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं करवा के रहूँगा कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस
योगर में जो 400 ब्लॉग्स बना सकता है 400 दिनों में कुछ भी कर सकता है। मैकबुक क्या बात है, समझ के रखा है, ये एक बार जाओ दूसरा बार कैंसिल कर देते हैं। जानते ही ऊपर वाला का सब मेल भगत है, वो चीज 400 दिन पहले होनी चाहिए, उसके लिए इतना देर। दादी प्लीज तुम्हारा एज 65 ना हो। फोन करके वहां से पूछा मैंने, मम्मी दादी की एज क्या है, शी सेज 65 के आसपास होगा। और वो लेडी मुझसे पूछ रही थी, देखिए तो दादी की एज कहीं 65 तो नहीं। तभी मम्मी बोलती है 65, वो भी हंसने लगी, कैसी फैमिली है इसकी येड़ो वाली। फ्राइडे था, कश्मीर फाइल्स देखने जाना था, थिएटर में ही नहीं लगी। इतना अच्छा मूवी थिएटर में नहीं, वाहियात से वाहियात मूवी सब देख लो लग जाता है। मैंने तो मूवी देखना छोड़ दिया था जब से हाउसफुल 3 देख के आया, अपनी जिंदगी में ऐसा वाहियात मूवी नहीं देखा। दादी के भरोसे है। तुम्हारा कितना एज है वो पता नहीं, आधार कार्ड दो ना, उससे पता चल जाएगा। आधार कार्ड, हाँ उम्र देखना, उम्र आदमी का कान में प्रॉब्लम। 1 आवर लेट, भगवान 65 माइनस करो 2022 में 1945 है इसका बर्थ यार, 1945 तुम्हारा बर्थ है, 1945 आजादी से पहले की हो यार तुम। 45 में पता नहीं है हमको, हम क्या भाई आजादी से पहले तुम हुई थी बग। ये बग बोल रहे थे इस पे लिखा है यार, अब ये भी गया पॉसिबिलिटी मेरा। अरे जो पता है वो सब लिख देता है। इतनी पुरानी हो तुम, आंखों में कुछ चला गया। इसमें एज है तुम्हारा 77। बाप रे, तुम यार दिखती हो 25 साल की हो 77। इसमें हो गया दोस्तों। अब रखे हैं? हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, तो कर ले कांचर दे दे, मार मार सब छोड़ी कमरा। 65 से ऊपर हो गए, अब कैसे होगा यार, और कोई आदमी भी नहीं तो मिला जुला की। ये है ऊपर वाले ने किया है एक भत्ता मसा, क्योंकि आम बात है एकदम, जानते हो अभी अभी जैसे मेरे साथ हो रहा है ना, डिट्टो एकदम सेम टू सेम पेरीमीटर इंस्टीट्यूट में वही हुआ था जब मैं फिजिक्स हुआ कॉलेज में पढ़ना चाहता था। 20 प्रोफेसर से जाके मैंने बोला था, फिजिक्स के प्रोफेसर से मुझे एक लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर लिख के दिया। सब लोगों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया मैंने, क्योंकि वो लोग मुझे जानते नहीं थे, मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में था तब पर भी 20 लेटर किसी तरह, 3 लेटर मुझे चाहिए थे रिकमेंड करके, किसी तरह लेके आया दिया, यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरे यूनिवर्सिटी वहां रिजेक्ट कर दिया, यहाँ रिजेक्ट कर दिया। आम बात ये सब होते रहता है, चलो कोई बात। 1945 भाई तुम महात्मा गांधी को देखी थी?